फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर का टिप्स देती हूँ कि कैसे आप अच्छे दिख सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड के लोअर के साथ इसे भी धो दिया। मैं बिना चुचू चुचू किए बगैर हस्तरी जमाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अब फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर का टिप्स देती हूँ कि कैसे आप अच्छे दिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब आफ्टर मैरिज, आफ्टर बेबी, हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, ओके ओके है, या फिर बहुतों के पास टाइम नहीं रहता है कि हम लोग कैसे बच्चे को मैनेज करें, घर को मैनेज करें और अपने आप को मैनेज करें ताकि हम लोग अच्छे दिख सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं 5 मिनट्स के कुछ टिप्स लाई हूँ जो कि आपको पर डे करना होगा। अपने आफ्टर बाथ आपको ये करनी होगी। जैसे आपका है ये 2-3 मिनट की चीज़ें हैं, उसके बाद आपको अपने अंदर से आपको लगेगा कि नहीं, मैं अच्छा दिख रही हूँ। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, कि अगर आपको ये लगता है कि आप अंदर से कि आप खुद में अच्छे दिख रहे हो, तो फिर आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है किसी तक कि नहीं, मैं तो आज अच्छी दिख रही हूँ, मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस है। तो ये 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे इसमें। देख रहे हो, अभी मैंने कोई भी फेस पे मेकअप नहीं किया है। सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ एक क्रीम। कोई भी आप क्रीम यूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपके स्किन पर सूट कर रहा है, आप वो क्रीम यूज़ करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जो मैं क्रीम लगा रही हूँ आप वो क्रीम यूज़ करो। वैसे तो मैं पॉन्स का क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके स्किन के पे सूट कर रहा है, आप वही क्रीम लगाओ, ठीक है। फ्रेंड, मेरे पास अभी सामने में मिरर नहीं है, तो इसलिए मैं मिरर के लिए उधर देख रही हूँ, क्योंकि इधर मिरर लगा हुआ है, तो मैं ये क्रीम को मैं उधर ही देख के लगा रही हूँ। और थोड़ी सी ये नेक के साइड भी लगा लीजिए ताकि आपको जितने भी रिंकल्स आ रहे हों वो सही हो जाए। अपने नेक के साइड भी एक मसाज की तरह लगा लीजिए क्रीम को। दूसरा, मैं अप्लाई करती हूँ काजल। ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ काजल ताकि आपने कभी ये देखा हो कि ड्राइंग को आप लोग जो ड्रॉ करते हो तो आप लोग एक ब्लैक स्केच या किसी चीज़ से आउटर लाइन ड्रॉ करते हो ताकि वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बड़ी दिखे, या ज़्यादा उसको दिखा उभारने के लिए हम लोग वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपनी आईज़ को उभारने के लिए हम लोग काजल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ काजल, जो कि फ्रेंड्स मुझे लगाने के लिए सामने जाना होगा। मैं यहाँ लगा नहीं पाऊँगी, कोशिश करती हूँ लेकिन आई थिंक लगा नहीं पाऊँगी। मैंने काजल लगा लिया। और आप हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखें कि हम लोग काजल सिर्फ नीचे के साइड लगाते हैं, बट हमें ना मतलब आँखों को पूरा उभारना है, तो हम लोग इसको ना थोड़ा ऊपर से भी लगाएंगे। ऐसे खींच के आप इस साइड लगा लीजिए, ऐसे खींच के आप थोड़ा इधर करके थोड़ा आगे निकाल सकते हैं, तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी आईज़ को पूरा उभरा सा, आपके आउटर लाइन हो जाएगी, तो आईज़ काफ़ी ज़्यादा उभरी सी लगेगी, बड़ी बड़ी सी लगेगी। और तो आपको और अपनी आईज़ को अगर उभारना है तो आप थोड़ा मस्करा का भी यूज़ कर सकते हो अपने आईज़ के ऊपर। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जो मस्करा लगाएं ये ऊपर के लेसेस के साथ साथ नीचे के लेसेस में भी ज़रूर लगाएं ऐसे, ताकि आपकी दोनों साइड की जो ये है ना हेयर्स जो हैं आपके आँखों के, वो दोनों साइड से उठ सकें, और उसके बाद आपकी आँखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लगेगी। ये आप ज़रूर लगाएं। और जैसा कि आप देखते हो कि मुझे आईब्रोज बहुत कम है, तो मैं यूज़ करती हूँ आईब्रो पेंसिल एक आँखों को के आईब्रो को उभारने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर लिया है। आईब्रो पेंसिल मेरा पूरा अच्छे तरह से यूज़ कर लिया है। अब देखिए कितने ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं कि मेरे पहले के लुक और अभी के लुक में। आपने स्टार्टिंग में भी मुझे देखा होगा और अभी भी देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। बस
मैंने आई मेकअप किया है। आई मेकअप में मैंने सिर्फ काजल, मस्करा और ये मैंने आईब्रो फिल किया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेरा लुक चेंज हो जा रहा है। और अगर आपको आईब्रो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके घने घने आईब्रो हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा और बेटर इन्हेंस करना है अपने लुक को, तो बस एक लिपस्टिक लगा लीजिए, दैट्स इट। आपका 2 से 3 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा और आप बहुत ही सुंदर दिखने वाले हो। दैट्स इट, आपका लिपस्टिक हो गया डन। और आप देख लो मेरा ही लुक कैसा चेंज हो गया, पहले जो मैं थी और अभी जो मैं थी, इसमें काफ़ी का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे। बस 2-3 चीज़ को अप्लाई करना है, अच्छे से काजल को यूज़ करना है, आपको मस्करा यूज़ करना है बस। अगर आपकी आईब्रो को ज़रूरत है अगर फिल करने की तो फिल कीजिए, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक लिपस्टिक लगा लीजिए, दैट्स इट, हो गया आपका। और आपको खुद को अच्छा लग रहा होगा कि अरे वाह मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। बस ये छोटा सा मेकअप है, 2-3 चीज़ हैं जो कि आप नॉर्मली पर डे यूज़ करो और उसके बाद आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे लोग मुझे क्या देख रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, मैं सही से दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। कोई भी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं बहुत अच्छी नज़र आ रही हूँ। बस ये 2-3 चीज़ अप्लाई करो और ख़त्म, दैट्स इट। फ्रेंड्स आप देख रहे हो कितना चेंजेस है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि मैं एक मॉम भी हूँ, मेरे पास एक बेबी है और उसके साथ मुझे हर चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो मैं जल्दी से जा रही हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाल दिए हैं, अब मैं उसे सूखने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि नव्या के उठने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, फिर वो काम नहीं करने देती है, मेरे पीछे पीछे घूमते रहती है, कोई काम मेरा नहीं हो पाता है। तो मैं जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि नव्या के उठने से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ मैं। फ्रेंड्स ये मुझे कपड़े में मिला है, फ्रेंड्स ये मुझे कपड़े में मिला है, मैंने अपने हस्बैंड के लोअर के साथ इसे भी धो दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डेयरी मिल्क का ऐड दिखाता है ना, बाबा आपके कभी पैसे निकलते हैं कभी कुछ निकलते हैं और आज डेयरी मिल्क, और उसी की तरह मैंने भी आज पैंट के साथ इस पैसे को भी धो दिया। पैंट के साथ ये पैसा भी आज धुल चुका है और मैं इसे सूखने के लिए दे रही हूँ क्योंकि ये गीला हो चुका है। कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ऐसा बोला ही जाता है। आज मुझसे भी हो गई, मैंने बिना चेक किए उनका लोअर मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और मैंने पैंट के साथ पैसे भी धो दिए। फ्रेंड्स ये देखिए नव्या अभी उठ के आ गई है और ये मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रही है, ये देखिए क्या कर रही हो तुम। हाँ वो क्या, हाँ और मुझे एडिटिंग करने में बैठी थी, मुझे एडिटिंग भी नहीं करने दे रही है और सिर्फ उसे बदमाशी कर रही है। फ्रेंड्स बच्चों के साथ काम करना इट्स नॉट ईजी, कि आप बच्चों के साथ नॉर्मली आप ऐसे काम कर सकते हो, बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में इंगेज करना होता है तभी आप कोई भी काम कर सकते हो। अभी तो ये जस्ट उठ के सो के ही उठ के आई है। आज मैं फर्स्ट टाइम दही जमाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है दही जमाने का और दही मेरे से जमती नहीं है प्रॉपरली, वो ठीक से हो नहीं पाता है। तो आज मैंने फिर से थोड़ी देर पहले मैंने दूध को गर्म किया है और अभी आई थिंक हल्का हल्का दूध गर्म होगा, मैं उसी में जोड़न देने जा रही हूँ। वैसे मैं हमेशा पैकेट वाला ही दही खरीद के ले आती हूँ, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि वो जमता है या नहीं जमता है। फ्रेंड्स मैं इसमें दही जमाने की कोशिश कर रही हूँ
और दूध गर्म है हल्का हल्का, और मैं इसे दे रही हूँ दही जमने के लिए। पता है मैं जब छोटी थी, तो मेरी मम्मी जब दही जमाती थी तो वो कुछ करती थी, ऐसे करके कुछ बोलती थी, तो मैं बोलती थी मम्मी इससे क्या होता है, तो मम्मी बोलती थी क्या कि जब जो इंसान दही जमाता है ना उसको बहुत शांत होना चाहिए, उसे बहुत प्यार से जमाया जाता है तो उसलिए वो बोला जाता है। पर मेरे से वो चीज़ नहीं होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बिना चुचू चुचू किए बगैर दही जमाने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ मेरी दही जमती है या नहीं। Oh, no, no. फ्रेंड्स, मैंने ये पैकेट वाली दही ली थी और मैं इसी से थोड़ा जोड़न डाल देती हूँ इसमें दही के लिए। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। और इसे मैं बिना चूचू किए मैं इसे मिला रही हूँ फ्रेंड्स। आई थिंक देखती हूँ जम जाए। अरे बेटा कुछ मत बोलो, नानी तो चूचू करके जमाती थी, अभी चूचू चूचू मत करो। फ्रेंड्स, अब मैं इसे ऐसे ही बंद कर देती हूँ और इसे छोड़ देती हूँ बंद करके। देखती हूँ इस बार बिना चूचू किए, मम्मी का तो चूचू करने से जम जाती थी दही, और मेरा बिना चूचू किए जमती या नहीं। वाव, वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ग्रीन 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 ग्रीन। अब ऑरेंज, अब ब्लू 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 ब्लू। उसको इसको निकालो, इसको निकालो, ब्लू लगाओ ब्लू। अब ये वाला येलो 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 डालो, ये नहीं ये डालो, ये डालो येलो। अब पिंक, वाओ वाओ वाओ। अब नव्या को तो सब कुछ समझ आता है। अरे वाओ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।